हाँ जी सर, तो अपन अडेनियम्स की बातें कर रहे थे सर। तो अब अडेनियम आप सीड से उगाते हैं या ये जो कलेक्शन है ये इतना ही रखा हुआ अभी आपने? सब अभी मैंने 2 साल पहले मेरे को इंटरनेट पे मिल रहे थे। अच्छा, नेम्ड वैरायटीज, तो वो मैंने जरूर ली है। अच्छा, और अभी उगाई है। अच्छा, नहीं तो पहले मेरे पुराने उगे हुए वो ही चल रहे हैं। हाँ, पुराने हैं लगभग लगभग। एक चीज़ मैं बताऊँ, मैं फ्लावर कलर के लिए नहीं जाता हूँ। मैंने देखा इंटरनेट पे, देखता हूँ लोगों के कि फ्लावर जो कलरफुल फ्लावर्स आते हैं डेनियम में, उनमें एक के दुके 4-5-6 आते हैं। सही बात है। मेरे को वो पसंद नहीं इतना, क्योंकि साल में मुश्किल से 15-20 दिन आते हैं, 2 बार आ जाते हैं सीजन में। तो मैं इनके कोडेक्स में जाना चाहता हूँ, इनकी ब्रांचिंग में जाना चाहता हूँ, ताकि जब फूल आए तो भर के आए। जैसे आपको ये बताऊँ, पूरा जैसे गुलदस्ता है फूलों का, फूलों का गुलदस्ता है नीचे। सही बात है सर, सही बात है। और सीड पॉड भी आ गए हैं काफ़ी सारे, इसमें दिख रहे हैं। हाँ, ये देखिए बिल्कुल। तो ये 40 साल उसी टाइम के ही हैं सारे, उसी टाइम के। वो बड़े वाले के साथ हो गए हैं या जो, तो शिफ्ट करने के लिए भी शायद जैसे भी कुछ लगानी पड़े क्या? क्रेन व्रेन से शिफ्ट हो सकते हैं तो नॉर्मली तो नहीं, क्रेन क्या, इनको तो कर लेते हैं ये वाले को। ये उसको जरूर मैंने नीचे से क्रेन से मंगवाया था, मंगाना पड़ेगा बहुत भारी, क्योंकि ये तो ना तो लिफ्ट में आ सकता है ना उठने से उठाए। सही, करीब 4-1 साल पहले ऊपर लाया था ये। और ये पीछे की तरफ भी हैं, अपन देख लेते हैं सर एक एक करके। हाँ जी सर, आप देखिए इसका कॉर्डेक्स देखिए। अच्छा, बहुत से कहते हैं लोग बाग ये, अभी ये छेद, हाँ जी, कम से कम 10 साल हो गए छेद। अच्छा, और अच्छा, बारिश में भरा रहता है ये, पानी भरा ही रहता है इसमें, तो ऐसा नहीं है कि सब गल जाते हैं। अरे आपने उसके अंदर किस उसमें उगा रखा है, उसका बड़ा फर्क पड़ता है। सही बात है, नहीं तो ये मर जाना चाहिए ना 10 साल। ज़्यादा तो क्या सर, मैं नहीं देखा जो केमिकल ज़्यादा डाल देते हैं ना, जल्दी जल्दी बढ़े, जल्दी जल्दी मेरा पौधा फूल ज़्यादा दे। लोगों का सवाल रहता है ये कि फर्टिलाइज़र कौन सा डालें साहब, मैं जल्दी जल्दी मेरा प्लांट बड़ा हो जाए, ज़्यादा फूल आए। तो बस वहीं उनके समस्या, जो नेचुरल प्रोसीजर है ग्रो होने का प्लांट, उस पर वो लोग फॉलो नहीं करते। ये पीछे वाले ये भी काफी साल पुराने, उसी बैच के हैं। हाँ, तो मैं थोड़ा सा हाथ लगा के बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इनके प्लांट की जो है कितना है क्यूरेक्स। आप देख पा रहे होंगे, मैं पकड़ के दिखा रहा हूँ जैसे, और लंबाई आप जो है मेरी हाइट से आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे, लगभग जो है 8 फुट के करीब मानिए इनकी हाइट जो है। तीनों जो है काफी मैच्योर प्लांट्स हैं, बड़े बड़े जो है इनके क्यूरेक्स हैं। और सर ये थोड़े से छोटे साइज के हैं शायद, ये बाद का आपका, ये बाद के हैं, ये बाद के हैं, ये इतने आगे वाले, पीछे वाले तो उसी समय के हैं, क्योंकि उनको 10-15 साल खाद पानी बिल्कुल नहीं मिला। नेग्लेक्ट, अच्छा, आपने नीचे लगाए हुए थे बता रहे थे आप खाली प्लॉट में, फिर आपने इनको पॉट्स में शिफ्ट किया। इसमें आप देख पा रहे होंगे एक के ऊपर काफी लंबी लंबी जो है सीड पोड आई है, लगभग जो है 10-11 इंच की आप सीड पोड मानिए। और बहुत ही जो उस समय के हैं ये, जिस टाइम पे लोग अरेबिकम नाम से सर जानते भी नहीं होंगे कि अरेबिकम कोई वैरायटी होती है, बिल्कुल है, लोग ओबेसम को ही अडेनियम नहीं समझते होंगे, अरेबिकम ये उस टाइम के अरेबिकम है आप। सही है। ये सर ये कोई अलग वैरायटी है ये इस टाइप की जो इसमें? हाँ, ये अलग वैरायटी है। बिल्कुल, ब्रांचेस बहुत पास पास में और छोटी छोटी पत्तियाँ हैं, छोटी पत्तियाँ हैं। सही है, फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी आती है। ये कॉर्डेक्स ये दिखा सकते हैं। हाँ, ये देखिए दोस्तों, कॉर्डेक्स जो है इसका आप लगभग जो है डाया जो है इसका 2.5 फिट के करीब तो होगा सर। हाँ बिल्कुल है, जैसे अपन नापे 18 इंच और 6 इंच, लगभग 2 फिट 2.5 फिट के करीब का इसका डाया है। हाइट जो है 6 फिट है, और इस तरीके के इतने बड़े बड़े जो है क्विंटल्स में इनका वेट मानो आप, जो ब्रांचेस की थिकनेस लोगों के घरों में सर अपन जैसे देखते हैं नॉर्मली, इतने मोटे मोटे ही हैं ये जो ब्रांचेस हैं, इतने मोटे थिकनेस के। फिर वो उसमें भी यूं बोलते हैं, इतना पुराना हमारा डेनियम है, देखो साहब इतनी मोटी उसकी ब्रांच है। अगर ये क्यूडेक्स देख लें वो एलिफेंट साइज का तो घबरा जाएं लोग देख के, कि ये साइज भी मतलब इतने साल। और सबसे मेन चीज़ क्या है सर, इतने साल जिंदा रखना प्लांट को ना, ये टफ है।
बिल्कुल, आप जैसे बता रहे थे खरीद तो कोई भी लाए, पर इतने साल तक जो जिंदा रखना है ना पौधे को, भाई सालाना मेंटेनेंस भी है, रोज हफ्ते में समझ लो एक बार भी पानी देते हो, तो इतने साल तक जो है पौधे को जिंदा रखना, एडवर्स कंडीशंस में केयर करना बहुत टफ है सर। अब साहब इसमें क्या होगा बताऊं, इसको ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इसको उठाएंगे तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि वो प्रेशर बहुत बढ़ चुका है मट्टी और जड़ों का। अब तो ये मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये गमला तोड़ेगा इसके किसी दिन, तो जहाँ तोड़ेगा उसको वहाँ से ही काट के इसको बाहर निकालेंगे और बड़े पॉट में कर सकते हैं, अभी इसका कुछ नहीं कर सकते। सही बात है सर, सही बात। और ये पीछे के अपन थोड़े से और देखते हैं, अब ये देखिए ये कोडेक्स दिखाओ, सब में अच्छे अच्छे कोडेक्स हैं, पूरे बिल्कुल राउंड कोडेक्स है इसमें, और कोडेक्स जो है शानदार सुंदर एकदम, बहुत ब्रांचिंग बड़ी नहीं है, ना ही कोई ऐसी कि हार्ड प्रून अपन ने करी हुई हो जिसकी वजह से ब्रांचिंग बड़ी हो, बिल्कुल राउंड कोडेक्स है ये, जितने भी पीछे आप देख रहे होंगे सब में बहुत सुंदर और राउंड कोडेक्स है। बहुत सारे सीड पॉड आ रहे हैं, बहुत सारे जो हैं ये उस समय के हैं जब लोग जो है अडेनियम मतलब सिर्फ ओबेसम ही होता था, वो भी किसी किसी के पास ही होता था कि ओबेसम की कोई वेराइटी है, लगभग लगभग ये माने 30 साल का तो अप्रोक्स होंगे सर, ये ज़्यादा है 25-30 साल से ज़्यादा हैं ये वाले। अभी नहीं, गणेश जी का आकार अच्छा, महसूस अच्छा। होता है ना, ये तो सूंड हो गए, ये दोनों वो पैर हो गए, और पुराने पुराने और इतने सुंदर सुंदर जो हैं अडेनियम हैं। और लास्टली जो अपन देख रहे हैं ये देखिए आप जो है, अरे लगभग लगभग जो है ये 5 फिट का जो पॉट है उतने बड़े पॉट में लगा हुआ है, और प्लांट हाइट आप देखेंगे लगभग लगभग सर कितनी है ये, 10-12-15 फुट होनी चाहिए अप्रोक्स, ये 16.5 फुट 16.5 फिट का हाइट है प्लांट की, और क्यूडेक्स आप देख रहे होंगे जैसे मैं ऐसे ऐसे करने से जो है दोनों हाथों में नहीं पूरा ऐसे ले जाओ, दोनों हाथों से पकड़ने पे भी जो है कोडेक्स आ रहा नहीं है, पूरा ट्री बन के तैयार हो गया है। और नीचे का जो डाया अपन देखें लगभग लगभग जो है इसका 2 फिट का क्रॉस में अपन देखें तो इतना डाया है इसका, और 2 फिट का डाया, और लगभग लगभग जो है 40 साल से ऊपर सर इसकी एज है, और उस समय का है जब लोग अडेनियम मतलब किए नहीं जानते थे, लोग तो अभी भी जो है आम का पौधा अमरूद का पौधा उसी में अटके हैं, आपने उस समय पे जो है ये पेड़ जो है बहुत सर केयर करना संभालना और इतने साल प्लांट को जो है नरिश करना। एक चीज़ और बताऊं साहब, हाँ जैसे ऊपर लाए तो चेन पुलर वाले थे, हाँ उसने जंजीर के निशान कर दिए थे, अब ये 2-3 साल में रिपेयर हो गया, रिपेयर हो गया, सही है सर, पर इतना भारी को सर अपन उठा के ला नहीं सकते, नहीं नहीं हमने लाना ट्राई किया था 5-7 जनों ने, अच्छा पर वो फेल हो गए ना, एक तो सीढ़ी में घूमो कैसे, और फिर हाइट भी ज़्यादा है, और ये तो अभी तो आप यूँ मानो कि इसका क्यूडेक्स बहुत सारा तो अंदर ही है, हाँ बिल्कुल, जो मोटाई जो क्यूडेक्स की है बहुत सारी तो अंदर ही है, बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम पे वो तो पूरा जाल बन गया होगा नीचे, पूरा जाल बन गया होगा। और लगाए कितना टाइम हो गया ऊपर इसको, लगभग आप इसको 4-5 साल हो गए, 4-5 साल हो गए। तो ये बड़ा वाला जो है अडेनियम आप लोगों ने देखा, एक बहुत सुंदर सा जो है साइड में भी रखा हुआ है, ये सर इसका वीडियो हमने देखा था फेसबुक के ऊपर, तो ये कौन सी वेराइटी है सर? ये इसी के साथ उगी हुई है, अच्छा, और इसका ये ब्रांचिंग कुछ अलग है इसकी, इसका बहुत ही मज़ेदार किस्सा है, अच्छा, इन लोगों के साथ उगा ये, तो फिर क्या था जब 3-4 इंच का हो गया ये पेड़ तो सब उग रहे थे 2-4-5 कुंडी में, तो ये जब देखो जब गर्दन टेढ़ी मेढ़ी कर रहा था तो एक रोज मेरे को गुस्सा आया कि ये कोई वीकलिंग है और इसको हटा दो, जैसे करते हैं ना अपन निकाल देते, मैंने निकाल दिया, फिर ये समझो फेंका नहीं, मैंने वहीं रख दिया कि कल देखते हैं, शाम का टाइम था ऐसा ही, अच्छा अच्छा, तो दूसरे दिन मैंने सोचा कि अपन फेंक क्यों रहे हैं, जैसे और उग रहे हैं ये भी उगने दो, टेढ़ा मेढ़ा सही है, हो सकता बहुत अच्छी वैरायटी हो, तो चलने दिया। आज ये हालत है, मैंने इंटरनेट पे डाला तो पीछे पड़े हैं मैं लोग देख रहे हैं कि यार ये क्या वैरायटी है, क्योंकि ड्रूपिंग कहीं नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं, एक और है और उधर, मतलब ब्रांच इतनी मोटी हो जाती है कि वो सीधी रहेगी, इस तरीके से लटकने वाली जो है ना,
यहाँ रख दो, ठहरो एक सेकंड, देखिए सर रख दो आप। ये देखो सर, तो सर एक और है, ये सर ने अभी मंगवाया है दिखाने के लिए। तो सर ये सेम वैरायटी है या ये प्लांट ऐसा कन्वर्ट हो गया क्या? नहीं है, नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, मैंने अच्छा। कुछ नहीं किया, एक टहरी जरूर बांधी थी। ये देखिए बिल्कुल ही वो है ना शेप, सेम वो सही, उसमें ड्रूपिंग दूसरी तरह की है, इसमें वीडियो में मैंने देखा था ना, तो थोड़े छोटे दिखते हैं ये वीडियो के अंदर, साइज का एग्जैक्ट मालूम नहीं पड़ता कितने बड़े प्लांट हैं। वो तो उसमें ऐसा लग रहा है इतना है लगभग फुट भर का, और फिर उसमें इस तरीके से ब्रांचेस लटक रही हैं नीचे। तो इस तरीके के जो हैं आप लोगों ने जो बिल्कुल रेयर सर के पास, मतलब कलेक्शन मतलब रेयर है हर चीज़ में, भले कैक्टस हो, भले सकुलेंट हो, ऐसे भी हुआ। शुरू में मैंने खपचिया भी लगा के सीधा करने की कोशिश की, फिर अक्ल आई करे ये ऐसे नेचुरल ग्रो करो ना, जरूरी जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसी पे ही फिर देखें ज्यादा तो उल्टा बेटर हो गया ना। सही बात है, सही अगर बात सीधा होता तो फिर वो मजा नहीं। जो ब्रांचेस हैं बहुत मोटी नहीं होती हैं, शुरू से आखिर तक बार पतली पतली लटकती चलती हैं, कभी लटकती रहती है। सही बात है, सही बात है सर, नहीं तो मोटी होकर सीधी होनी चाहिए ऊपर की तरफ। तो दोनों प्लांट बहुत खूबसूरत हैं सर आपके, और काफ़ी सारे सर के पास एडीनी में। ये वाटर लिलीज भी आपने ग्रो कर रखी है? बिल्कुल, मेरा इसका भी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम है। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे पास एक समय में 32 वेराइटीज़ हुआ करती थी। अच्छा, डिफरेंट कलर की। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मतलब बिल्कुल डिफरेंट टाइप का इसका करेक्टर है, डिफरेंट टाइप के कैक्टस के करेक्टर, दोनों के करेक्टर्स को मैच करना, इनकी केयरिंग टिप्स अलग है, उनकी अलग है, दोनों एक्सट्रीम है। ये पानी है वो सूखा है, बहुत सूखा है, डेजर्ट। सही बात है, सही बात है, बीच वाली चीज नहीं है मेरे पास। सही है सर। तो दोस्तों ये था के अग्रवाल जी के साथ में छोटी सी मुलाकात, जैसे मैंने शुरू में कहा था बड़ा डिफिकल्ट था, और काफ़ी सालों के विचार के बाद आज जाके सर से मिलने का मौका मिला है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया सर। आए और मेरे पेड़ों को निहारा, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, अक्षर प्लांट्स एंड प्लांटर्स आपका अपना चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।